प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी। इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और साथ ही इलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाता हूं। तो आइए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय को स्वायत्तता प्रदान की है और इसी धारा के तहत महिलाओं के हिरासत में प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। अब बेसिकली यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है या जो बनाया गया है, बनाने के पीछे का पर्पस है कि पिछले साल LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में चर्चा बहुत अधिक थी। ये सिर्फ पिछले साल नहीं रही है बल्कि 2014 के बाद से LGBTQ से जुड़े हुए केस लगातार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आते रहे हैं। तो ऐसे में इनसे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न को पूछा है आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट है, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिए सुझाव दिया है। अब यह प्रश्न आपको बताना है कि क्या प्रकाश सिंह केस पुलिस सुधार से जुड़ा हुआ है या प्रशासनिक सुधार से जुड़ा हुआ है या किसी अन्य मुद्दों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा है फ्रेजर आयोग 1902-1903। तो अब यह स्टेटमेंट कह रहा है कि यह पुलिस सुधारों पर गठित की गई थी। 1902-1903 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन ने एक पुलिस सुधार आयोग बनाया था 1902-1903 में। अब स्टेटमेंट कह रहा है कि वो आयोग का नाम था फ्रेजर आयोग, जो कि पुलिस सुधार से जुड़ा हुआ था। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? अब देखिए, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि 2005 में बेसिकली प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने पुलिस सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। उन्हीं के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अपना जजमेंट दिया और उस जजमेंट में कहा गया कि जो पुलिस सुधार के लिए 1861 का पुलिस अधिनियम है, 1861 का जो पुलिस अधिनियम है, यह अधिनियम अब बहुत पुराना हो गया है और इसमें अपडेशन की जरूरत है। 1861 के पुलिस अधिनियम में सुधार की जरूरत है और इस सुधार के तहत सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश सिंह केस ने कहा कि पुलिस को एक अलग दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए, एक पुलिसिंग का काम अलग कर दिया जाए और दूसरा कि प्रशासनिक देखरेख वाला जो काम है वह अलग कर दिया जाए। अर्थात पुलिस को, पुलिस की दो विंग हो जाए, एक जांच करने वाली और एक प्रशासन देखरेख करने वाली। क्योंकि आज जो पुलिस है वह एक ही पुलिस केस की जांच भी करती है और कहीं पर अव्यवस्था होती है तो उसका भी संतुलन करने का प्रयास करती है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह केस में जजमेंट दिया था। हालांकि आज तक अधिकांश राज्यों ने इस जजमेंट को अपने यहां लागू नहीं किया है। तीसरा है कि 1902-1903 में फ्रेजर आयोग बनाया गया था, यह स्टेटमेंट सही है और फ्रेजर आयोग ने भी यही कहा था कि जो 1861 का पुलिस सुधार अधिनियम है वह 1902-1903 की परिस्थितियों में भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि पुलिस का जो जनता में पहचान है वह एक कुख्यात पहचान बनी हुई है। जनता में पुलिस की पहचान सुधारक के रूप में या फिर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी के रूप में नहीं हुई है। ये 1902 का फ्रेजर आयोग कहता है और आज तक पुलिस सुधार के लिए हम कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाए। अनेक कमेटियां बनी जिसमें सोली सोराब जी कमेटी बनी, बहुत सारी कमेटियां बनी, लेकिन इन कमेटियों के रिकमेंडेशन आज तक, सोली सोराब जी ने पुलिस सुधार के लिए एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट दिया था, वो ड्राफ्ट आज तक किसी स्टेट ने
किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया है। और चूंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है तो इसीलिए पुलिस में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति होना अनिवार्य है और राज्य सरकारें पुलिस अधिकारियों के पावर को अपने पास से शिफ्ट होने नहीं देना चाहती है, इसीलिए आज तक पुलिस सुधार एक मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब पहले स्टेटमेंट में है जो आईपीसी की धारा 377 है, ये आप लोग को होम ये टास्क है कि आप लोग आईपीसी की धारा 377 पढ़ लेंगे क्या है। ठीक है, लेकिन ये पहला स्टेटमेंट भी सही है कि आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत पुलिस कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय को स्वायत्ता प्रदान की है। अब आपके लिए एक टास्क है कि LGBTQ कम्युनिटी से जुड़े हुए जितने अब तक सुप्रीम कोर्ट में केसेस दर्ज किए गए हैं उन केसों के नाम आपको पता करने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए टास्क रहा कि LGBTQ कम्युनिटी से जुड़े हुए कौन कौन से केस सुप्रीम कोर्ट और कौन प्रमुख हाई कोर्ट में दर्ज किए गए थे जिसमें कोई बड़े फैसले लिए गए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना है आपको कि 1861 का पुलिस अधिनियम ही अभी तक जारी है, इसमें भी अभी तक कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म करने में भारत की राज्य सरकारें असमर्थ रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन सलमान रुश्दी के बारे में। हम जानते हैं कि पिछले वर्ष 2022 में सलमान रुश्दी एक जगह अमेरिका में एक जगह भाषण देने जा रहे थे और उन पर अचानक हमला हुआ और एक अतिवादी व्यक्ति ने उन पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। उनको काफी गंभीर चोटें आईं, उनकी आंख को भी बहुत क्षति हुई, हालांकि उन्हें बाद में बचा लिया गया। लेकिन अब जब चूंकि उन पर हमला हुआ है तो उनसे जुड़े हुए तथ्य यूपीएससी की निगाहों में आ सकते हैं, तो उसी संबंधित है। द सेनेटिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रेंस सलमान रुश्दी की रचनाएं हैं। दूसरा, मिडनाइट चिल्ड्रेन 1981 के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तीसरा, सलमान रुश्दी का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। अब अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होकर के यूपीएससी के पीवाईक्यू को जज करते हैं तो आपको पता है कि यह स्टेटमेंट सलमान रुश्दी का जन्म ब्रिटेन में हुआ था यह डेफिनेट स्टेटमेंट है, यह कहता है कि यही हुआ था, निश्चित स्टेटमेंट है। तो निश्चित स्टेटमेंट जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं अगर वो इतिहास में पूछे गए तो सोचने की बात होती है, लेकिन इतिहास के बाद अगर करंट अफेयर में पूछे गए या किसी अन्य सब्जेक्ट से जुड़े हुए डेफिनेट स्टेटमेंट होते हैं तो उनके गलत होने की संभावना अधिक होती है। तो यहां पर भी सलमान रुश्दी का जन्म ब्रिटेन में नहीं हुआ था बल्कि इनका जन्म वर्तमान मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो वर्तमान मुंबई इंडिया में इनका जन्म हुआ था। तो जैसे ही हमने तीसरा स्टेटमेंट को गलत पाता आपका आंसर निकल गया कि एक और दो सही है। अब यह ध्यान रखना है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन की सबसे प्रमुख सबसे फेमस कृति थी, इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था, तो यह स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। लेकिन इनके जीवन की सबसे विवादित पुस्तक रही है द सैटेनिक वर्सेस। इस द सैटेनिक वर्सेस में इन्होंने इस्लाम धर्म के कुछ कुरीतियों पर प्रहार किया था और इसके लिए जो ईरान के प्रमुख नेता हैं, जो धार्मिक नेता हैं अयतुल्लाह खुमैनी ने इनके खिलाफ मृत्यु का फतवा जारी किया था इस पुस्तक के लिए, द सैटेनिक वर्सेस के लिए। तो इसीलिए ये सैटेनिक वर्सेस हो गई या फिर मिडनाइट चिल्ड्रेन हो गए, ये दोनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सलमान रुश्दी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न यूपीएससी की निगाह में हो सकता है आने वाले पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जान लिया कि द सैटेनिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रेन, और मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था, यह भी हमने जान लिया। कौन सा सही है तो हमने इलिमिनेशन टेक्निक भी देख लिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह स्टेटमेंट है 1267 यूएन लिस्टिंग। अब ये क्या है भाई, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि 1267 का ये जो यूएन का प्रस्ताव है यह अक्सर चर्चा में रहता है और यूपीएससी ने एक बार इसको पूछ भी लिया है
तो काफी टाइम हो गया है, तो निकट भविष्य में फिर पूछे जाने की संभावना है। यह सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करती है कि नामित आतंकवादियों और संगठनों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह बेसिकली 90 के दशक में, 1990 से 2000 के बीच में आतंकवाद से जुड़े हुए जो देश थे, बेसिकली भारत ने एक आतंकवाद की परिभाषा के लिए इस प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस किया था। बाद में ये जो प्रस्ताव था, यह प्रस्ताव यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली यह दर्ज हुआ, और इस प्रस्ताव में कहा गया कि अगर 1267 यूएन लिस्टिंग में किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाता है, व्यक्ति का तात्पर्य आतंकवादी का नाम, अगर किसी भी आतंकवादी का नाम यूएन के इस लिस्ट में दर्ज हो जाता है तो उसको दुनिया के किसी भी देश में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर किसी संगठन का नाम दर्ज हो जाता है तो उस संगठन को भी आगे विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी, और अगर किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होता है तो उस व्यक्ति को भी आगे कहीं दुनिया में घूमने की अनुमति नहीं होगी। तो यह ध्यान रखना है कि 1267 यूएन लिस्टिंग किससे जुड़ा हुआ है, यह आतंकवादियों के लिस्टिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, यूएन से स्थायी सदस्य किसी भी लिस्टिंग पर 6 महीने तक की अवधि के लिए रोक लगा सकता है। अब यह ध्यान रखना है, यहां बात कर रहा है अस्थायी सदस्य के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने अस्थायी सदस्य हैं, हम सभी जानते हैं 5 अस्थायी सदस्य हैं, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना। इन 5 सदस्यों में से कोई भी, जैसे कोई देश किसी आतंकवादी का नाम रिकमेंड करता है कि यह आतंकवादी है और मैं चाहता हूं कि यह यूनाइटेड नेशन की इस लिस्टिंग में इसका नाम आतंकवादी की सूची में दर्ज हो जाए, तो ऐसे में उस नाम को इसमें दर्ज होने के लिए यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें बहुमत से प्रस्ताव पारित होने चाहिए। अर्थात 15 सदस्य हैं तो 8 सदस्य अगर सहमति जताते हैं तो तभी वहां पर उस व्यक्ति का नाम दर्ज होना चाहिए, और उन 8ों में 5 जो अस्थायी मेंबर है उनका अनिवार्य रूप से सहमति होना चाहिए। तो भारत ने, भारत जब भी पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकवादियों का नाम इस लिस्ट में दर्ज कराने के लिए प्रयास करता है तो चीन उस पर अडंगा लगा देता है। ऐसा आप लोगों ने बार बार न्यूज में पढ़ा, चाहे वो अब्दुल रहमान मक्की हो या फिर कोई भी, इसके लिए चीन बार बार आतंकवादियों के नाम पर अडंगा लगा देता है। तो चीन उसको खारिज नहीं करता है, चीन उस पर क्या करता है, रोक लगा देता है। चीन उसको कहता है कि नहीं नहीं अभी इसको इसमें दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, अब इसमें प्रोविजन है इस लिस्टिंग में सिक्योरिटी काउंसिल में कि अगर कोई अस्थायी सदस्य किसी भी नाम के लिए रोक लगाता है तो वह अधिकतम कितने समय तक के लिए रोक लगा सकता है, वह अधिकतम 6 महीने तक की अवधि के लिए ही रोक लगा सकता है। 6 महीने की अवधि के बाद अगर वह कोई इमरजेंसी क्लॉज दिखाता है तो फिर 6 माह का एक्सटेंशन मिल जाएगा, 6 महीने का विस्तार मिल जाएगा, लेकिन अगले अब 6 महीने के विस्तार के बाद उसे बताना ही होगा कि वह इस व्यक्ति को आतंकवादी मानता है कि नहीं मानता है। ठीक है, तो ऐसे में चीन अगर भारत के द्वारा प्रस्तावित किसी भी नाम पर रोक लगाता है तो वह अधिकतम कितने समय तक लगा सकता है, सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम 6 महीने तक और विशेष परिस्थितियों में 12 महीने। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। कह रहे कुप्रित में से कौन सा सही है, तो ये बेसिकली मैंने आपको अपडेट करा दिया, इसको मैंने आपसे पूछने के बजाय आपको याद करा दिया कि आपको ये याद कर लेना है 1267 यूएन लिस्टिंग और यूनाइटेड नेशन के प्रोविजंस क्या है इससे जुड़े हुए, 6 महीने तक की लिस्टिंग का यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेशा कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें स्टेटमेंट 1 है कि वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिश के बाद भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु
आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 बनाया गया। इस कानून के लिए नियम बनाने व लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई। यह प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासी समुदाय के पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है। कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए, अगर ऐसे फेमस मुद्दों पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो वह आपको ट्रैप करने का प्रयास करेगा। ट्रैप करने का सेंस है कि वह आपके नॉलेज के साथ साथ आपके इंटेलिजेंसिया का भी टेस्ट करेगा, और वो अधिकतर केस में कुछ छोटी सी ट्रैपिंग के लिए कोई ऑप्शन देगा, जहां से कि आप अगर समझदार हैं तो ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यह हर बार नहीं होगा। कभी कभी यूपीएससी ऐसा करता है कि आपको ट्रैप करने के बजाय वह आपके नॉलेज की टेस्टिंग कर लेता है, और नॉलेज की टेस्टिंग वह उन्हीं प्रश्नों में करता है जो प्रश्न काफी अधिक चर्चा में रहते हैं। तो पेशा कानून अक्सर चर्चा में रहने वाला कानून है, और यूपीएससी के छात्रों के लिए तो ये एक क्या बोलूं कि लगातार चर्चा में रहने वाला है। यूपीएससी के छात्र जब भी पढ़ते हैं जनजातीय सुधार से संबंधित कोई भी, तो उसमें पेशा कानून की चर्चा जरूर हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए पेशा कानून पर अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपके ट्रिक से अधिक आपके नॉलेज की टेस्टिंग करेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कौन सा सही है। इसमें अगर पेशा कानून से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं होता, कोई और क्वेश्चन होता जो कि इतना फेमस टॉपिक नहीं होता, तो यहां पर जो वर्ष दिया गया है वह मैक्सिमम केस में गलत होता। लेकिन यहां पर वर्ष 1995 में ही भुरिया समिति की सिफारिश के बाद अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 1996 में पेशा अधिनियम इंट्रोड्यूस किया गया था, यह स्टेटमेंट सही है। अर्थात 1995 में भुरिया समिति का रिकमेंडेशन आया और उसके अगले साल 1996 में पेशा अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, बेसिकली पेशा है क्या? पेशा है कि पंचायतों के प्रावधानों को जनजातीय क्षेत्रों में इंट्रोड्यूस करना। हम सभी जानते हैं कि 73वें-74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को रियल स्वरूप दिया गया, वास्तविक स्वरूप दिया गया, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों को लागू करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 बनाया गया। ठीक है, इसमें कह रहे कि इस कानून के लिए नियम बनाने व लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई। अगर आप लोग लगातार न्यूज पढ़ते हैं तो पिछले साल छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों में, जनजातीय जिलों में, इस कानून को इंट्रोड्यूस करने के लिए नियम इंट्रोड्यूस किया। अब छत्तीसगढ़ की सरकार पेशा कानून को राज्य के विभिन्न इकाइयों में लागू करती है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है? राज्य सरकारों पर। नियम बनाने की और लागू करने के लिए नियम भी बनाने हैं। ध्यान रखना है पेशा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन उसको लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है? उसको लागू करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स पे है। तो ये राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह पेशा कानून को लागू करे और उससे संबंधित नियम और प्रावधान। ठीक है, तीसरा कि यह प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासी समुदाय के पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता। अब जनजातियों के जो पारंपरिक अधिकार है उसको यह कानून क्या करता है? स्वीकार करता है कि जनजातीय समुदाय अगर जंगल में कोई उनके लघु वनोपज हैं, जैसे पत्तियां हो गई, छोटी टहनियां हो गई, या फिर सूखे लकड़ियां हो गई, तो इन सूखी लकड़ियों पर उन जनजातियों का अधिकार माना जाएगा। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने के संदर्भ में जो जनजातीय ग्राम सभा है उनकी अनुमति अनिवार्य है। तो ये पेशा के प्रोविजंस हैं। आपका काम क्या है कि आप एनवायरमेंट की पढ़ाई करते समय पेशा कानून को, पेशा के प्रोविजंस को बहुत ध्यान से जरूर से पढ़ लें, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न आ भी चुके हैं और आगे निकट भविष्य में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा सही है? तो यह तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, और ये क्वेश्चन काफी चर्चा में रहने वाला था, इसीलिए इसके तीनों स्टेटमेंट्स को सही किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यूपीएससी का
2021 का क्वेश्चन है ये, बेसिकली इंट्रोड्यूस करने का आपके साथ, ऐसे पुराने पिछले क्वेश्चनों को चर्चा करने का मेरा पर्पस ये होता है कि मैं आप लोगों को यह बता सकूं कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, ट्रेंड क्या है और आपको तैयारी की दिशा क्या देनी है। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, ताम्र प्रगलन संयंत्रों, कॉपर मेल्टिंग प्लांट्स, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? Why is there a concern about copper melting plants? तो भाई तांबा गलाने वाले जो संयंत्र हैं, इनसे संबंधित चिंताएं क्या क्या है, प्रश्न पूछ लिया है यूपीएससी ने। अब देखिए ये कोई चर्चा में रहने वाला मुद्दा नहीं है, लेकिन यह मुद्दा यूपीएससी आपसे कहता है कि आप अपने आईक्यू और ईक्यू को यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करो, इस प्रश्न में आप अधिकांश दिमाग लगा करके सॉल्व करो, नॉलेज से सॉल्व करने का प्रयास बहुत हद तक इस प्रश्न में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बारे में आपने बहुत अधिक पढ़ा नहीं होगा। हाँ, अगर साइंस बैकग्राउंड है तब तो आपके लिए प्रश्न हो सकता है आसान है, लेकिन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी कहता है कि इसको दिमाग लगा करके इल्यूमिनेट किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। अब यहां पर एक कोई भी मेल्टिंग प्लांट्स अगर हैं तो वो अनेक प्रकार के तत्वों को पर्यावरण में निर्मुक्त करते हैं। मात्रा कितनी है इसका निर्धारण कौन करेगा? तो वह धातु कैसा है इस आधार पर मात्रा का निर्धारण होगा। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि ये पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त करते हैं, मतलब बहुत अधिक संख्या में कार्बन मोनोऑक्साइड को पर्यावरण में निर्मुक्त करते हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड देखते हैं, ताम्रमल कॉपर स्लैग अर्थात कॉपर का जो टुकड़ा होता है, जो छोटे छोटे चूर्ण होते हैं, ये पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। अब हम सभी पढ़े होंगे पर्यावरण में, अगर आप लोगों ने तो अभी पढ़ा होगा कि जो भी भारी धातुएं होती हैं वह अगर सतह पर मिल जाएं तो सतह में निक्षालन का कारण बनती है। तांबा चूंकि एक हैवी धातु है तो यह भी, और यह प्रश्न घातक कारण जैसा कोई डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, कह रहा है कि हाँ कारण बन सकता है, कारण बन सकता है, संभावना जता रहा है, यह एकदम आपको बाध्यकारी स्टेटमेंट नहीं दे रहा। तीसरा है, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। अगर तांबा प्रगलन संयंत्रों से यह कह रहा है कि यहां से सल्फर डाइऑक्साइड भी एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त हो सकता है, तो एक बात अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया होगा तो जहां पर भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है और प्रदूषक कारी तत्वों को जलाया जाता है तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड अग्नि के जलने से निकलता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकता है, ये हार्डकोर स्टेटमेंट नहीं है, बहुत आसानी से कह रहा है कि कर सकता है, तो तीसरा डेफिनेटली सही है। तो अब यहां पर ये तीन हो गए, कह रहे हैं ताम्रमल पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन लीचिंग का कारण बन सकता है, यह भी सही है, बेसिक नॉलेज से पता चलता है कि यहां तांबा भारी धातु है और भारी धातु निक्षालन का कारण बनते हैं, तो यह भी सही है, तो दूसरा भी सही है। अब दूसरा सही है तो हमारे पास दो और तीन अर्थात बी और डी ऑप्शन हो गए, 50% तो हमने इलिमिनेट कर लिया। अब आते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ, ये पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं, तो पहली बात तो कि क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, और करते भी हैं तो क्या वह बृहद मात्रा में करते हैं। अब अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी ने यह प्रश्न आपके नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए नहीं बल्कि आपके इंटेलिजेंसिया का टेस्ट लेने के लिए पूछा है, और इसीलिए उसने घातक शब्द जोड़ दिया है। जैसे ही घातक शब्द जोड़ दिया है वो कह रहा है कि आओ मुझे गलत कर लो, तो ये स्टेटमेंट खुद को कह रहा है कि मुझे गलत कर लो और अपना आंसर बना लो, तो पहला गलत करके आप बी और सी अर्थात दो और तीन को सही कर सकते थे। तो ऐसे ही यूपीएससी प्रश्न पूछेगा
जो कि आपकी जानकारी में जिनके बारे में आप कम पढ़े होंगे उन प्रश्नों को भी ट्रिक लगा करके सॉल्व किया जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिकली एक मैपिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कुसियारी नदी, कुसियारा नदी जो असम और बांग्लादेश के बीच बहती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब कुसियारा नदी इसलिए चर्चा में क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना जी भारत आई थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के इस नदी के साथ समझौता करने के लिए प्रयास किया था। सेकंड है संयुक्त नदी आयोग, भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल समझौता है तो एक उपयुक्त मंच है। अब ये बात आपके लिए ऊपर एक नॉलेज के लिए हो गई कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग कार्य करता है। जैसे हम जानते हैं कि सिंधु जल समझौता के बंटवारा के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारा आयोग काम करता है जो कि 1960 से ही कार्य कर रहा है, लेकिन क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी जल बंटवारा के लिए ऐसा कोई आयोग है? सेकंड स्टेटमेंट। तीसरा, मनु, महुरी, खुवाई, गोमती, धरला ये अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनको लेकर भारत और बांग्लादेश समझौता करने को इच्छुक है। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच 50 से अधिक नदियों का जल साझा होता है, तो 50 से अधिक नदियां जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों देश के साथ बहती हैं, तो ऐसे में इनमें बहुत सारी नदियों के नाम होंगे, तो उन सभी नदियों का नाम को याद रख लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ प्रमुख नदियों के नाम को याद रख ले तो आपके काम हो जाएंगे। ऐसे में यूपीएससी जब भी नदियों के नाम देगी तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर कोई नदी का नाम देगी तो वो निश्चित रूप से सही देगी, क्योंकि इतनी अधिक नदियां हैं कि इन क्षेत्र से बाहर की अगर कोई भी नदी का नाम यूपीएससी देता है तो स्टूडेंट आसानी से पकड़ लेगा। जैसे यूपीएससी वहां पर गोमती नाम नहीं दे सकती है, क्योंकि गोमती नाम, देखिए यहां पर गोमती नाम दिया गया है, गोमती नाम जैसे ही देगी स्टूडेंट पकड़ लेगा कि गोमती कहां बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है और ये गंगा की सहायक नदी है। तो ऐसे नाम यूपीएससी नहीं देगा, और अगर ऐसे देता है तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन यूपीएससी बेसिकली चूंकि 50 से अधिक भारत और बांग्लादेश के बीच नदियां आपस में साझा होती हैं, तो यहां पर अधिकांश संभावना होगी कि यूपीएससी यहां पर सही नाम देगा। ठीक है, अब यहां पर कुसियारा नदी के बारे में तो आइए आपको थोड़ा मैप दिखा देते हैं। ये मैप देखिए, ये बराक घाटी है, बेसिकली असम का भाग है ये। इस बराक घाटी से होकर के कुसियारा नदी आगे बढ़ रही है, दिख रहा है आपको? कुसियारा नदी से एक और नदी जिसका नाम है सुरमा नदी, यह सुरमा नदी बांग्लादेश में कुसियारा नदी से जब मिल जाती है तो इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, और यही मेघना नदी आगे बढ़ करके जब जमुना में मिलती है, जमुना ध्यान रखना है, जमुना ये जब ब्रह्मपुत्रा इंटर करती है बांग्लादेश में तो उसे जमुना कहा जाता है। यह जमुना जब आगे बढ़ती है और इसमें जो गंगा नदी जो बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। तो अब ये पद्मा जब जमुना में मिलती है तो दोनों का संयुक्त धारा पद्मा कहलाता है। फिर पद्मा में जब ये मेघना मिलती है तो इसकी धारा का नाम हो जाता है मेघना, और ये मेघना नाम से ही ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये मेघना नदी जो बनती है वो कुसियारा और सुरमा के मिलने से बनती है। ठीक है, तो इस नदी का, ये नदी असम से, भारत के असम राज्य से निकल करके और बांग्लादेश में इंटर करती है और बाद में इस नाम से मेघना नाम से जानी जाती है। तो यहां पर और बीच में ये बहुत सारी नदियां हैं जो कि मैं आप लोगों को शायद आप लोगों को विजिबल नहीं हो रही होंगी, लेकिन बहुत सारी मतलब 50 से अधिक नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में साझा होती है। तो ऐसे में असम और बांग्लादेश के बीच कुसियारा नदी बहती है, ये सही स्टेटमेंट है, पहला सही है। दूसरा कि संयुक्त नदी आयोग भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल समझौता हेतु एक उपयुक्त मंच है।
यह स्टेटमेंट एक सुझाव है। जब सुझाव होता है तो सुझाव हमेशा सही होता है, ठीक है, तो उपयुक्त मंच है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि अगर कह देता कि संयुक्त नदी आयोग भारत और बांग्लादेश के बीच में बना हुआ है तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि अभी ज्वाइंट रिवर कमीशन दोनों देशों के बीच में परमानेंट ज्वाइंट रिवर कमीशन काम नहीं करता है, ठीक है। तीसरा, यहां पर गोमती नदी का नाम डाल करके यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाने से, वाले ने इसको गलत कर रखा है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आप आसानी से गलत कर सकते थे, तो जैसे तीसरा स्टेटमेंट आपने गलत काटा आपका आंसर निकल गया एक और दो, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये इंडिया के मैप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ही को सॉल्व करना है। भारत की प्रमुख नदियां और उन पर बनाए गए बांध, आपको बताना है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध है, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। फिर अगले क्लास में मैं इसका आंसर आप लोगों के सामने रिवील करूंगा, फिर देखता हूं कि आप लोग इसके लिए कितना तैयार है, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेशन में हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।